तुम्हें पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारा एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग है और मार्क्स भी तुम अच्छे खासे ले आते हो। अब क्योंकि मेक मनी ऑनलाइन का ट्रेंड है तो तुम चाहते हो अपनी ये पढ़ाई को यूज करके एक साइड हासिल करके कुछ पैसा कमा सको ऑनलाइन, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। एकेडमिक कॉन्टेंट राइटिंग एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जहाँ पर तुम दिन में 4 घंटे देकर 30 से 40 हजार रुपए पर मंथ अर्न कर सकते हो। अगर तुम 4 घंटे दोगे तो 30 से 40, 2 घंटा दोगे तो 15 से 20 स्टार्टिंग में अर्निंग होगी, उसके बाद बढ़ती जाती है विद एक्सपीरियंस विद द अमाउंट ऑफ टाइम यू आर गिविंग। तो आज के इस वीडियो में हम एकेडमिक कंटेंट राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करेंगे कि एकेडमिक कंटेंट राइटिंग होता क्या है, इसके लिए तुम्हें क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस या क्या एक्सपर्टीज की जरूरत है, किन किन सब्जेक्ट में या किस तरीके से तुम एकेडमिक कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। उसके अलावा मैं तुम्हें कुछ ऐसी जगहें बताऊंगी जहां पर एकेडमिक कंटेंट राइटर्स की डिमांड रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। तुम अभी ये वीडियो देखने के बाद वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हो और बट ऑब्वियस अगर तुम्हारा एकेडमिक स्ट्रांग है तुम कल तक क्वालिफाई हो जाओगे और कल से ही पहला अपना एकेडमिक कंटेंट राइटिंग का वर्क स्टार्ट कर सकते हो। ये इतना इजी है, इतना अच्छा है कि सारी डिटेल्स मैं आज कवर करूंगी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज एकेडमिक कंटेंट राइटिंग? अब जैसा कि नाम है इसमें तुम्हें एकेडमिक यानी कि स्टडीज से रिलेटेड कंटेंट लिखना होगा। अब एकेडमिक कंटेंट राइटिंग का काम बहुत तरीके का होता है। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है असाइनमेंट कंटेंट राइटिंग। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि किसी एक्स वाई जेड रीजन से अपना असाइनमेंट नहीं कंप्लीट कराते, दे गिव इट टू अदर्स जिनका एकेडमिक स्ट्रांग हो टू सॉल्व देयर असाइनमेंट। अब ये सारे असाइनमेंट्स ऑनलाइन होते हैं, तुम्हें एमएस वर्ड पे, गूगल डॉक्स पे करने होंगे। द फर्स्ट वर्क इज ऑफ असाइनमेंट राइटिंग। इसके बाद द सेकंड वर्क इज ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। अब अगेन स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपनी स्टडीज में हेल्प चाहिए होती है, व्हाट दे डू इज देयर आर वेबसाइट, वहां पर ये अपने क्वेश्चंस और डाउट्स डालते हैं, फिर एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तुम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो एंड यू आर पेड एज पर द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। इसके बाद द थर्ड वन इज स्टडी सपोर्ट। कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि चाहेंगे कि तुम एज अ एकेडमिक कंटेंट राइटर उनके लिए लेसन प्लान्स बनाओ, उनके स्टूडेंट्स के लिए वर्कशीट्स बनाओ डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे डिफरेंट ग्रेड्स के लिए। उसके अलावा काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जैसे कि तुम्हारी K2 लर्निंग हो गई, उसके अलावा जितने भी ये तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनकी वेबसाइट्स होती हैं, वहां पर भी तुम्हें वर्कशीट्स, क्वेश्चंस बनाने हो सकते हैं, लेसन प्लान्स बनाने हो सकते हैं या नोट्स बनाने हो सकते हैं एज अ एकेडमिक कंटेंट राइटर। सो बेसिकली अगर हम बात करें इन 3 कैटेगरीज में एकेडमिक कंटेंट राइटर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और बहुत ज्यादा अर्निंग स्कोप भी है। अब हम इन 3 कैटेगरीज को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली है हमारी असाइनमेंट राइटिंग। असाइनमेंट राइटिंग में ज्यादातर तुम्हें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD स्टूडेंट्स के असाइनमेंट मिलते हैं। अब यहाँ पर ज्यादातर असाइनमेंट्स US UK के स्टूडेंट्स के आते हैं और इन असाइनमेंट्स के लिए तुम्हें रेफरेंसिंग और सिटेशंस बहुत ज्यादा अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि इनके असाइनमेंट्स बिना रेफरेंसिंग और सिटेशन के नहीं लिखे जाते। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम गूगल करो रेफरेंसिंग एंड सिटेशन, उस पर तुम्हें बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। पहले उन चीजों को समझ लो कि तुम्हें रेफरेंसिंग और सिटेशंस कैसे करना है, क्योंकि असाइनमेंट सॉल्व करना उतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा एकेडमिक स्ट्रांग है। असाइनमेंट्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे आते हैं। जो सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं वो है तुम्हारे नर्सिंग के, फाइनेंस के, साइकोलॉजी के और अकाउंटिंग के। साइंस के असाइनमेंट्स थोड़े कम आते हैं। अब अगर हम बात करें असाइनमेंट राइटिंग वेबसाइट्स की, कौन सी ऐसी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जहां पर तुम ये काम कर सकते हो, नर्डी टर्टल्स, ट्यूटर बिन, माई असाइनमेंट हेल्प, ये तीनों वेबसाइट्स पे मैंने पर्सनली लोगों को काम करते देखा है और मैंने खुद काम करा है। दे आर द बेस्ट वन, दे गिव यू अ गुड इनकम प्रोवाइडेड यू गिव देम क्वालिटी असाइनमेंट। अब आती है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज सॉल्विंग क्वेश्चंस। यहां पर अगेन में हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हो सकते हैं, चाहे तुम्हारा मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अकाउंटिंग हो, कॉमर्स हो, इंग्लिश के एसेज हो, साइकोलॉजी के रिसर्च बेस्ड स्टडीज हो, हर तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं। तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने की अर्निंग होती है। ऑन एन एवरेज 50 से 500 रुपए मिलता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने का, डिपेंडिंग तो किस सब्जेक्ट का है, किस लेवल का है। वेबसाइट्स की बात करें तो चेक और कोर्स हीरो, ये रेगुलर बेसिस पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को ढूंढती रहती है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जहाँ पर एक चेक एक्सपर्ट है, उनका इंटरव्यू करा है, उन्होंने बताया है कैसे वो अपने फ्री टाइम में 20 से 25 हजार रुपए अर्न करते थे चेक के थ्रू। तो इफ यू आर समबडी जिसको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजीली आता है, यू कैन परस्यू दिस साइड हसल। इसके बाद द लास्ट वन इज स्टडी सपोर्ट। स्टडी सपोर्ट पे बेसिकली हमें इंस्टीट्यूशंस को या वेबसाइट्स को चेक करना होगा जिनको लेसन प्लान्स और वर्कशीट्स और नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आई वुड सजेस्ट एज अ बिगिनर गो फॉर वेबसाइट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड की सब्जेक्ट्स की वर्कशीट बना सकते हो तो तुम गूगल पे जाओ और टाइप करो वर्कशीट्स फॉर ग्रेड 1 to 12। काफी सारी वेबसाइट्स दिख गई। सबसे पहली है सैनिक स्कूल इम्फाल, देन स्टडीज टुडे, देन K5 लर्निंग। इनकी वेबसाइट को ओपन करो, नीचे जाकर ये जो इनका कॉन्टैक्ट
अस सेक्शन है, इन यहाँ से तुम्हें इनका ईमेल आईडी मिल जाएगा, इनको एक ईमेल शूट करो दैट यू आर अकेडमिक कंटेंट राइटर, कुछ सैम्पल वर्कशीट्स प्रोवाइड करो और बताओ कि तुम इनकी वेबसाइट्स के लिए कंटेंट लिख सकते हो। सेम वे मैंने तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल दिखाया है फॉर ग्रेड 1 to 12। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्स जैसे कि तुम्हारा नीट हो गया, IIT हो गया, MBA के एग्जाम्स होते हैं, IAS, UPSC, इन सब की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और इन सब वेबसाइट्स पे कोई ना कोई अकेडमिक कंटेंट राइटर की जरूरत होती है। यू कैन अप्रोच देम, यू कैन कोल्ड पिच देम एंड आई कैन गारंटी यू विल गेट अ जॉब वेरी इजीली, बहुत ज्यादा डिमांड है। सो दैट्स इट, दीस वर द वे टू गेट अकेडमिक कंटेंट राइटिंग जॉब। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन।